चीज़ अगर पतंग उड़ाना है तो पहले पतंग खरीदना पड़ेगा। सो अभी हम पहले जाएंगे पतंग लेंगे। पतंग कैसा हो लेना चाहिए, कितना छोटा बड़ा, हमें कुछ पता नहीं, बिकॉज मेरे लिए फर्स्ट टाइम है एंड आकाश के लिए भी फर्स्ट टाइम है। सो हम लोग पहले पतंग लेंगे एंड देन विल डिसाइड कि कौन सा पतंग मांझा लेना है, क्या कैसे लेना, कुछ पता नहीं। लेट्स सी। भाई अपने लिए कुछ पतंग बताओ, मीडियम साइज का दो देना। दो पता नहीं कैसा खरीदते पतंग, फर्स्ट टाइम ले ली। अच्छा आप कन्नी बांध के दोगे, हमको बांधना पड़ेगा, तुमको बांधना पड़ेगा। वो नहीं, अच्छा दिस इज बिग टास्क अगेन। ये पतंग उड़ेगा ना, मेरे को उड़ाने आता नहीं है। और एक दो ना, एक टू और ये मांझा लिया है। अभी इससे कन्नी बांधना पड़ता, कन्नी कैसे बांधते मुझे पता नहीं है, तो शायद मैं आकाश का या रोनो का हेल्प लूंगा। और ये हमारे बिल्डिंग के प्रोफेशनल काइट फ्लायर, उनका पतंग देखिए दोस्तों, हवे में जूम करके आपको बाद में दिखाऊंगा। ही इज़ दी प्रोफेशनल गाय फ्रॉम गुजरात। और ये उनके असिस्टेंट मांझा पकड़े हुए, और हम लोग कुछ नहीं आता है, हम लोग देखे घूम रहे हैं, ये फुल इंजॉय। ये देखो पतंग कहाँ पे है, क्या देखो दोस्तों, देखो ऐसा सीखने का दोस्तों। सो गाइस 45 ईयर्स हो गए मुझे पैदा होके, और मैंने ग्राउंड लेवल का जो भी गेम है, कबड्डी, हुतुतू, पकड़ा पकड़ी, गिल्ली डंडा, गोटी, भौरा, कबड्डी, ये सब खेला हूँ। सिर्फ एक खेल गेम को छोड़ के, ये पतंग मेरे को उस टाइम पे भी जमाने बचपन में, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ सब्सक्राइबर व्यूअर और अपना चैनल ग्रो होने के इस लालच में पतंग मैं उड़ाने का ट्राई कर रहा हूँ। सो पहला टास्क होता है कन्नी बांधना, राइट। कन्नी कैसे बांधते हैं, इधर से दो डॉट्स करो नीचे, ये डॉट्स का मुझे पता है। गाइस मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, ये मैंने खरीदा अपने पैसों से खरीदा हुआ है, अगर ये पड़े तो। सो जिग्नेश भाई मेरे फ्रेंड है, हमारी बिल्डिंग के सोसाइटी मेंबर है, ही इज हेल्पिंग मी आउट। बस उतना अंदर मत दिखा, ऐसा थोड़ा दिखा, शक्ल भी दिखा, उसके करके शक्ल भी दिखना चाहिए, ठीक है। सो गाइस ये हमने मांझा लाया है, ये मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो अच्छी मुझे पता ही इतना पसंद नहीं उड़ाना, लेकिन अभी ये सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के लालच में ये सब कर रहा हूँ पैसे के लिए। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और चैनल को ग्रो करना मेरे सूरज बन के दोस्त। सो गाइस आपको मैं बताता हूँ इस ग्रुप में किस किस को पतंग उड़ाने आता है और किसको नहीं आता है। मैं वो पहला बंदा हूँ जिसे पतंग ज़रा भी उड़ाने आता नहीं है, कन्नी बांधने बचपन में आता तो मैं भूल चुका हूँ। इस बंदे को पूरा पतंग उड़ाने आता है, राइट फ्रॉम बांधिंग द कंदी कन्नी टू फ्लाइंग द काइट। इस बंदे को सिर्फ नीचे से उड़ाने आता है, बोलते ऊपर रहेगा तो उड़ाने नहीं आता, करेक्ट। और ये आकाश है, आकाश को सिर्फ ऊपर का उड़ाने आता है, कन्नी बांधने से नीचे उड़ाने आता है। तो हम लोग तीनों मिलकर एक पतंग उड़ाएंगे, और ये भाई साहब सूरज ये अकेला वन मैन शो है, तू तेरा पतंग अकेला उड़ेगा, और हम लोग रौनक मैं और आकाश हम एक पतंग उड़ाएंगे, ठीक है। गाइस पतंग रेडी है, कन्नी बन चुकी है, और ये मांझा लिया है, और पतंग उड़ाने आता नहीं मुझे, मुझे ट्राई करता हूँ अभी। कैसे क्या मैं उड़ने जाऊँ, अरे आप ही जाओ, चलो दोस्तों गाइड पतंग रेडी है, अभी मैं छोड़ रहा हूँ इसे, ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 उड़ियो पतंग, डन डन। देख देख, अरे हवा किधर है, फूंक मारो ना, हवा किधर है, फूंक मारो, जा उड़ जा।
का पतंग उड़ गया। फर्स्ट ट्राई फर्स्ट ट्राई। पकड़ो 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 पकड़ो। कोई करना ऐसा ऐसा करने का। करते रहो करते रहो। पहले उड़ा उधर लंबे लेके जाओ लंबा लेके जाओ। अरे हवा कोई फूको। ओह चप्पत गया। दोस्तों हमारा पतंग अटक गया। उड़ने से पहले अटक गया। लकड़ी क्या जिग्नेश भाई आपको उड़ाने आता नहीं। पतंग बोलने का था ना मैं अकेला उड़ाता था क्या। मेरा पतंग वाट लगा दिया। जाओ क्या चलना चलना आकाश जा चढ़ जाओ ऊपर पाइप पे। मेरे सर पे चढ़ेगा मेरे सर पे मैं अच्छा उनके अंदर पे चढ़ अंदर जाएगा। ये चला ये हमारे पतंग को बचाने जा रहा है आकाश। शाबाश ये खींच मत आकाश। शाबाश शाबाश आकाश जल्दी से रुक आराम से आराम से फेंक मत। रुक 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 तेरे पैर के नीचे मांझा है। रुक तेरे पैर के नीचे मांझा। रुक तेरे पैर के नीचे मांझा पागल। अरे दोस्तों पतंग फिर से आ गया है। ये मेरा टीम है आकाश एंड मिस्टर जिग्नेश भाई। चलो जिग्नेश भाई आकाश ले रहे वीडियो घूम रहे क्यों चक्कर आ रहे क्या। अरे लो जिग्नेश भाई क्या कर रहे हो पकड़ो। मेरा पतंग दूसरी बार हमारा पतंग जाके आया फिर से रिटर्न। गाइस सेकंड टाइम पतंग उड़ के फिर से आया पूरा ठीक ठाक। ये लो ये मेरे फिर के छोड़ रहे डील चो डील 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 बराबर है ना। मेरा डिवाइस छोड़ दे ना हो जाएगा खत्म। ये तो बहुत ऊपर है। उड़ा लिया नितिन भाई आज तुमने। आज सपना पूरा हुआ तुम्हारा। नीचे जाए तो ऊपर लो। अरे आओ जिग्नेश भाई जिग्नेश भाई आओ। है ना तू वही अपना पतंग यार कुछ समझ नहीं रहा है। गाइस जाओ क्या हमको दूसरे की काटने की जरूरत है हम खुद ही कट जाते हैं। अरे ये क्या अरे बाबा इसके लिए मेरे को पतंग उड़ाने जरा भी पसंद नहीं दोस्तों। मैं बहुत बोर हो जाता है। अरे नाना तो अभी तो नाना ही रहेगा ना अभी क्या दादा रहेगा। नाना नाना दादा ने बड़ा चाहिए। एक एक्टिंग करते ना तो और दूसरा कुछ पतंग दिखा दो। एडिट में डालना बज गया इंजर्ड इंजर्ड काट दो। थैंक यू जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई हमारे बिल्डिंग के हस्बैंड फ्रेंड हमारे स्टडी में रहते आज उन्होंने मुझे सिखाया पतंग उड़ाने का। मैं अगले साल से ये वचन लेता हूँ कि मैं कभी भी जिंदगी में पतंग नहीं उड़ाऊंगा। नहीं उड़ाने मजा आएगी क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है को माना रहता है गुस्सा रहता है। हाथ मेरा बच गया दोस्तों अभी कटने वाला था। 1 2 3 उड़ा दो नितिन भाई उड़ा दो आग लगा दो आग। बल्ले 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 खींचो खींचो मेरे हाथ में आते नीचे क्यों जाता है नीचे क्या भाई वो मांझा पकड़ना वो डर अपने को नहीं करेगा। मैं तो पतंग नहीं उड़ाया बाबा वो डर है लेकिन अपना अपना पतंग जिधर से जाता उधर फिर रिटर्न आता। तीसरी बार आ गया पतंग।
ये देखो दोस्तों, ये मेरा पतंग है। येलो ऑरेंज, ये मेरा पतंग है। वो मेरा है। हाँ। पतंग सब घरे में बांटो, उड़ाने तो सबको। उड़ाओ उड़ाओ सब घरे में बांटो। कोई गरीब नहीं। उड़ाओ मेरा मेरा खर्चा क्या? वाह उड़ाओ उड़ाओ इधर उड़ाओ पांच जन मेरा है। बिंदा। ओ बल्ले बल्ले ओ शावा शावा। ये आकाश भिंडे ना है आकाश। अरे दिख रहा क्या क्या जल्दी में जल्दी क्या क्या मैं बोलता हूँ क्या 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 क्या। अरे बाबा ये मांझा कटता है बाबा, वो डर रखता है मुझे। अच्छा माध्यम है दोस्तों, मकर संक्रांति के आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा। हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल। भूलिए बोलने के लिए आकाश आकाश। अरे कैमरा संभाल कैमरा मैन, फिर घुसते। देखो दोस्तों ये चौथे बार मेरा पतंग अटक गया, लेकिन सही सलामत है। वफादार पतंग ये भाई, जैसे करना पड़ेगा मजा आ गया दोस्तों। अभी मैं थक गया हूँ, अभी अगले साल उड़ाऊंगा। कैसा लगा आपको अच्छा ये ब्लॉग? मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन मेरे को बहुत डर लगा। वो मांझा ना मांझा उड़ा तो पापा ले टेंशन होता, मतलब ले टेंशन। तो गाइस अगर आपको ऐसा वाला पतंग आपके एरिया में दिखेगा तो मेरा पतंग है, वो प्लीज मेरे को लौटा देना, ठीक है? काटना नहीं। हाँ अरे मेरा अच्छा खासा वक्त ज़ाया किया जी, थैंक यू सो मच। बैठे बैठे आवाज चल रहा है फूके के अंदर। अच्छा उड़ेगा तू पंखा? पंखा मेरे मुँह बारा पंखा यार है, तू पंखा उड़ेगा पतंग? चल ले अच्छा तू यार छोड़। चल सो गाइस नाउ आकाश विल फ्लाई द काइट। ओ हीरो आ गया। चल आकाश। हे पागल अंकल अभी उसको बांध के दो। अरे क्या भाभी नाश्ता विश्ता दो ना, क्या आपको नाश्ता भी नहीं दे, खाली पानी लेके आए इधर बैठे हो, पानी लेके आए बैठे इधर आप। ये देखिए मैडम जी को बैठे बैठे आवाज़ छोड़ रहे हैं। हो गए आई मीन हो गए अंदर आवाज़ छोड़ रहे हैं। जिंदा छोड़ो, कोई टेंशन नहीं है, दिल से छोड़ो। कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अरे समोसा बोकला लेके आओ ना, आ सू मोकला करू छे मने यार, चिक्की खाओ मने मोकला करू छे, ढोकला लाओ ना। चलो अभी क्या चलो पता अटक गया खुद का, पता अटक गया। इंस्टाग्राम पर रील बनाते ना, अभी ये रील को ऐसा करो। चलो नाश्ता नाश्ता नाश्ता। ये आंसू छे अने आंसू छे खजूर बाग, आ खजूर बाग खजूर बाम पाक 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 खजूर का पाक। अने आंसू छे ये तिल का टिकी, तिल तिल आ तिल। अने ये वाली अबू काकी बोले ठीक है धन्यवाद। हां वो भी डबल दो ना, वो सबको बांटो डबल छे अरे आपको आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छा। हैप्पी मकर संक्रांति मेरे तरफ से आपको, मकर संक्रांति की शुभेच्छा। एंजॉय करो, ऐसे नहीं एक सिंगल लो। हैप्पी मकर संक्रांति। लो जिग्नेश भाई हैप्पी मकर संक्रांति। यू नॉट ऑन डाइट ना? थैंक यू।
मम्मी ये भी मम्मी को पता नहीं ऊपर है इतना अच्छा नहीं गाइस कम है कैमरा में मकर संक्रांति में पतंग क्यों उड़ाते कैप्चर गूगल पे ढूंढना पड़ेगा अंकल मकर संक्रांति में संक्रांति में पतंग क्यों उड़ाते वाहन चलता है ना वाहन शंकरा का तो वो पतंगों पर ऊपर अपन उड़ाते हैं ना तो उसके ऊपर अपनी नजर जाती है ना तो अपना आंखों का तेज बढ़ता है। अच्छा क्या बोला तूने? लेकिन संक्रांत संक्रांत का मतलब क्या? वही संक्रांत संक्रांत का मतलब क्या है? हवा आतंक चेंज हो जाता है। अच्छा हमको सिखा रहा है उत्तर की दिशा में पवन चालू होता है उसको उत्तरायण बोलते हैं। अच्छा तो रुको जरा सबर करो सूरज एक राशि से दूसरी राशि में मकर राशि में सूरज जाता है। अच्छा अब मेरे मेरे ब्लॉग के राशि में आ थोड़ा इधर हो जाओ सूरज बन लो। हाँ तो दोस्तों आप समझ गए ये ब्लॉग में आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाते हैं। अंकल ने बताया क्योंकि पतंग उड़ाते हैं जो संक्रांत का जो वाहन जाता है ना। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो पहले बोला था ना मेरा भी परसों मैंने नया चश्मा मैंने अंकल नया चश्मा बनाया अभी। अगर आपको आपकी आंखें बचानी है तो प्लीज इतना जमे उतना पंखा मेरे मुंह में पंखा यार पता नहीं क्या है इतना जमे उतना पतंग उड़ाओ ताकि आपकी आंखें रोशनी अच्छी रहेगी। अरे आप सबको भी तिलगुड़ खा नहीं गुड़गुड़ बोला ये गुजरात तिलगुड़ है चलता है मजबूत। हाँ दोस्तों और एक बात आपको पता है क्या अभी लेडीज को पूछते करो तो दोस्तों आपको पता है कि संक्रांति में सब लोग ये तिल तिल के लड्डू बनाते हैं मिठाई बनाते हैं क्यों बनाते हैं अभी हम लेडीज को पूछेंगे बोलो कौन जवाब देगा। संक्रांति के त्यौहार के टाइम तिल के लड्डू क्यों बनाते हैं तमें नदू। अरे शू तमें गुजराती होता आंटी आपको अरे क्या आंटी हम शर्मा में बोलो ना दो नहीं बोलो एकदम बकवास आंसर इससे क्यों ले रहे इससे। अरे तिल तिल गरम होता है गरम। अरे सुनो मेरे बात नहीं ये संक्रांति जो होता है ना ये मौसम ये ठंडी का मौसम तो तिल का काम क्या होता है तिल इज गर्म वो अपने बदन में गर्मी लाने के लिए ये खाते हैं। संक्रांति ठंडी का मौसम है इसलिए ये उनके तिल का लड्डू बनाते हैं। अभी तो ठंडी कम हो जाएगी संक्रांति ठंडी कम हो जाती है नहीं क्या ठंडी है ना ये क्या सब डाले डाले सब ठंडी ठंडा करो जी गर्मी होता है ना और अब ये ठंडी का होता है तो खाने से बदन में गर्मी राइट। दोस्तों ऐसे अच्छे टिप्स अच्छे अच्छे जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब चैनल नेम आपको तो पता है नट सम्राट।
जो मैंने बोला है वही बराबर बोला है। गूगल पे सर्च करना, गूगल ने मेरे को पहले पूछा था कि तिल क्यों नहीं बनते, तब जाके मैंने गूगल को बताया, ठीक है, तब जाके गूगल ने सब इन्फॉर्मेशन फीड किया गूगल में सर्च में। सही बात है। एंड दैट्स इट गाइस, आज का ये ब्लॉग मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आओगा। मैंने मेरा 45 इयर्स के बाद में फिर से ट्राई किया था, आज अटेम्प्ट किया था कि मैं पतंग उड़ाऊँ, तो आपने देखा मैंने कैसा पतंग उड़ाया, क्योंकि मैंने अपने हाथ से पतंग उड़ाया। सो इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। नट सम्राट ये नाम ही सब कुछ है, किंग ऑफ ऑल।